एनर्जी के साथ रिलेटेड भी थे, हमने कुछ डिस्कशंस कंप्लीट किए थे। तो बिफोर वी प्रोसीड विद द वेव मोशन सेटिंग अप द इक्वेशन फॉर द वेव मोशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर द वेव मोशन, एक दो बेटे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेके आया था, आइए पहले पुत्र इनको कंप्लीट कर लें, देन वी विल बी प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर बेटा। और आइए बेटे स्टार्ट करें। द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज बेटे, मैं लिख ही देता हूँ पूरा स्टेटमेंट पार्ट। न्यूमेरिकल है बेटे, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट, व्हेन इट इज एट हाफ द एम्पलीट्यूड फार फ्रॉम द मीन पोजिशन, इज एट हाफ द एम्पलीट्यूड फार फ्रॉम द मीन पोजिशन, फ्रॉम द मीन पोजिशन। डियर चिल्ड्रन एक बार फिर से सुनिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक बॉडी है स्मॉल m, इसका मास है, इसको आपने एक स्प्रिंग से बेटा सस्पेंड कर दिया है, और ये बॉडी बेटे जो है इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिकॉज स्प्रिंग विल बी गेटिंग इलोंगेटेड देन कॉन्ट्रैक्टेड, इट विल मूव अप एंड डाउन समथिंग लाइक दैट। आपको ये कहा गया है कि जब वो एम्पलीट्यूड के हाफ के बराबर की डिस्प्लेसमेंट आपने उसको दी है, उस टाइम पर उसकी काइनेटिक एंड बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ दीज काइनेटिक एंड बेटी पोटेंशियल एनर्जीज। डियर चिल्ड्रन आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम बेटे काइनेटिक एनर्जी के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटे एक्सप्रेशंस जो हैं ये डिराइव कर रखे हैं ऑलरेडी बेटा। काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो था इट वॉज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एंड इट वॉज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसको के भी लिख सकते हो, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एंड दिस इज आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इट कैन बी मैनेज्ड इन दिस वे आल्सो। और डियर चिल्ड्रन जब आप बात करते हो पोटेंशियल एनर्जी की, सो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है दिस इज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एंड दिस वाज बिटवीन योर एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास बेटे वैल्यूज जो है कॉरस्पॉन्डिंगली काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की आपको दी हुई है बेटा। फिर से ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी आपके पास बेटे जो है ये आप इस रिलेशनशिप से लिख सकते हो, इसको भी आप के लिख सकते हो रादर। पोटेंशियल एनर्जी फिर आपके पास 1/2 स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी बेटे। अब डियर चिल्ड्रन आपको उन्होंने दिया है कि बॉडी इज एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब एक्स आपका जो है एम्पलीट्यूड के हाफ के बराबर है, आर बाई टू के बराबर है। आप ये वाली वैल्यू काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास 1/2 के आर स्क्वायर माइनस बेटे ये आपके पास जो है आर एक्स आएगा बेटे यहाँ पे,
it is r square by 4 it will be then beta, or kinetic energy will be 1 by 2 k. This is 3 by 4 r ka square. इसके बाद इसमें पुट कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में, इट इज 1 बाई टू के एक्स आपका आर बाई टू है, इट विल बी आर स्क्वायर बाई फोर. अब आपको रेशो किसका ढूंढना है, काइनेटिक टू पोटेंशियल डिग्री. आपको काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का रेशो फाइंड आउट करना है. सो आप काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी कर दीजिए, इट इज 1 बाई टू के 3 बाई 4 आर का स्केयर, इन द डिनोमिनेटर 1 बाई टू के आर स्केयर बाई 4. लेट मी मेक एडजस्टमेंट इन दिस वे बेटा. सो ये इसमें देखिए जो फैक्टर्स आपके बेटे हाफ कैंसल आउट हो गया, के कैंसल आउट हो गया, दिस इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड आउट, 4 इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड आउट, ये रेशो डियर चिल्ड्रन आपके पास 3:1 बन जाता है. सो एक बार फिर से बेटे समझिएगा, आपको उन्होंने कहा है कि एक बॉडी स्प्रिंग के साथ आपने स्मॉल एम मास की बॉडी सस्पेंड कर रखी है, और उसका मोशन बेटे जो है वो सिंपल हार्मोनिक टाइप ऑफ मोशन एग्जीक्यूट कर रही है वो बॉडी. आपको उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो ढूंढनी है जब वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर के डिस्टेंस पर मेन पोजीशन से आपने प्लेस की हुई है. सो आप डियर चिल्ड्रन क्या कर सकते हो, आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी लास्ट टाइम कर रखा है, इसको के लिखा जा सकता है, आपने लिख दिया. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी कर रखा है, अब आपने इन दोनों एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू एम्पलीट्यूड आर के 1/2 के बराबर पुट करके सिंपली कैलकुलेशन कर लेनी, कोई ज्यादा लंबा काम इसमें नहीं है बेटा. सो डियर चिल्ड्रन सारे स्टूडेंट्स एक बार देख के बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल. अंजलि, जैकलीन, जपन, नमन, राघव, रमन, सहज, वंश, अदिति, दिलजीत, गुरसिमरन, मिताली, ठीक है पुत्र, ठीक है जी. चलिए फिर बेटे मैं एक और ऐसा लिखता हूँ, अब आप वो करिएगा, फिर हम मैं भी करूंगा बट इन द एंड करूंगा, फिर मैं 2 मिनट आप करके देखिएगा, देन फिर आंसर्स मैच कर लेते हैं बेटे. एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे आपको रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए इनका, और आपको ऑटोमेटिकली बेटे जो ये सारी का सारा है ये टॉपिक अदरवाइज फिर भूलेगा भी नहीं. अगर मैं लिख देता हूं बेटे, कैलकुलेट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट टू द एम्पलीट्यूड, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द एम्पलीट्यूड व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 3 times पोटेंशियल एनर्जी. बेटा रिपीट कर देता हूं बेटे मैं, आपको डिस्टेंस और सॉरी डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है. आपको प्रोवाइडेड क्या है, कंडीशन क्या दी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की जो आपकी मोशन एग्जीक्यूट कर रही है दैट इज बेटे 3 times द पोटेंशियल एनर्जी. तो सिंपली फॉर्मूला काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का लिखिए, वैल्यूज पुट करके आप अकॉर्डिंगली कंपेयर कर लीजिए. काइनेटिक एनर्जी 1 बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर, इट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी अभी आप कर रहे थे ये फॉर्मूला. और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 1 बाई 2 एम ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर. कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 3 times पोटेंशियल एनर्जी. बेटे जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गो फॉर विद द रेशियो ऑफ एक्स एंड आर. बेटे देखिए बेटे 1 मिनट लगाकर सारे स्टूडेंट्स, मैं भी बेटे सॉल्व करता हूँ, आप भी करके देखिए.
एक मिनट का काम है, आर्डली टेक, इट विल टेक ए मिनट. ऑल ऑफ यू बेटा प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज. सिंपल सा कैलकुलेशन है. मिताली पुत्र, दिलजीत, जपन, नमन, राघव, ऑल ऑफ यू बेटा. यस डियर चिल्ड्रन, सारे बच्चे कॉपी पेन उठाइए. एक मिनट का काम है, हार्डली इट विल टेक ए मिनट. ऐसी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम्स में, ओके, 2:1 रमनजीत, 2:1 दिस, यस रमन, इट ये डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड है कि एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट की रेशियो है. एक्स ओवर आर है कि आर ओवर एक्स है. रमन को करिए, चेक करिएगा एक बार. कैलकुलेशन पार्ट आपका ठीक है, गुड, वेरी नाइस, ओके है बेटा, करेक्ट. बाकी स्टूडेंट्स भी देखो, नमन, जपन, अदिति, गुरसिमरन, दिलजीत, मिताली, सहज, वंश, चलिए बच्चों मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी अपना साथ साथ कंपैरिजन कर लीजिएगा. काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3 × पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर. हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, 1/2 से 1/2, एम से एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, डी चिल्ड्रन कट गया. और आपके पास बच्चों बचा क्या है, जो आपकी ब्रैकेटेड क्वांटिटी है, आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज 3 × एक्स का स्क्वायर. बेटे ये बन गया जी, थोड़ा रीएडजस्टमेंट कर लीजिए टर्म्स का. आर का स्क्वायर जो होगा इट विल बी इक्वल टू 4x का स्क्वायर. आपको उन्होंने कहा है डिस्प्लेसमेंट टू द एम्पलीट्यूड, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. आप वर्कआउट कर लीजिए, इट विल बी 1/4 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 1/2 का स्क्वायर बेटा जी. एक्स अपॉन आर इज 1/2 एंड आपका यही रेशियो आपको निकालना था एक्स और आर का. सो इन दिस वे बेटे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. मुश्किल कुछ भी नहीं, सीधी सीधी बातें, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बेटे एग्जाम्स में जरूर आता है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये काइनेटिक एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जीज वगैरह जो है, सिंपल पेंडुलम के भी कुछ कई बार आपको क्वेश्चंस जो है, या आपका जो सेकेंड पेंडुलम है उसके भी रिलेटेड आपको कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं. यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बेटा. सो आइए डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट प्रोसीड करें विद द डिस्कशन अहेड. एक न्यूमेरिकल छोटा सा लास्ट है आपके लिए, और अगर आप यहीं पे कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी. न्यूमेरिकल है बेटा, एट विच पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल बेटा, मुश्किल नहीं. अगेन सब कुछ आपके पास, काइनेटिक एनर्जी दिस इज बेटे 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. कंपेयर कर दीजिए, आपको आपका रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, आपको पोजीशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एक्स निकालना है, एक्स आपको मिल जाएगा. जल्दी से पुत्र सॉल्व कर दीजिए सारे स्टूडेंट्स बेटा, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, टेक 1 मिनट. कोई ज्यादा लंबा काम नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बेटा, सिंपल.
हरमन, गुरसिमरन, मिताली, रमन, राघव, नमन, वंश, वंश एक्स अपॉन रूट 2. वेरी नाइस रमनजीत, आदिति ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस. बाकी स्टूडेंट्स भी देखिए बेटा, वंश, राघव, वंश, राघव, देवनूर, गुरसिमरन, हरमन, मिताली, सहज, नमन, जपन, जैकलिन, अंजलि. अंजलि, चलिए बच्चों मैं भी करता हूं, फिर आप कर रहे हैं, काफी बच्चों ने किया भी है. आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बेटा. सो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर. सिंपल कंपैरिजन, 1/2 से 1/2, m से m, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया बेटा. और हमारे पास बच्चों बचा क्या है, r का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ही ले गया मैं, ट्वाइस एक्स का स्क्वायर. आपको एक्स चाहिए था, आप इसको रीराइट करिए, दिस इज इक्वल टू r का स्क्वायर बेटा. एंड x का स्क्वायर जो है इट इज r स्क्वायर अपॉन 2 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई √2. बेटे ये प्लस माइनस का साइन आपने भूलना नहीं है, इट विल इंडिकेट कि मीन पोजीशन के किसी भी तरफ हो सकता है आपका ये पोजीशन. ये बेटे आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बेटा. इस पे बेस्ड आपको कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता रहा है, ज्यादातर यही पूछते रहे ये प्रॉब्लम 2 नंबर में. तो बाकी आप बेटे अपना एक बार देखिए, इनको जरा रिवाइज करके देखिए कि कौन कौन सा आप किस किस तरीके से कर सकते हैं. सो विद दिस बेटे आई जस्ट मूव ऑन टू माय नेक्स्ट सेक्शन दैट इज बेटा ऑसिलेशंस. अब हमारा कंप्लीट है, वेव्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे. डियर चिल्ड्रन आइए देखें व्हाट डू वी मीन बाय वेव्स, व्हाट इज डिस्टरबेंस, और आइए समझे बेटा. नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बेटा वेव्स वाला. इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में बेटा लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन डिस्टरबेंस. डिस्टरबेंस या डिस्टरबेंस को ही बेटे वेव भी कह देते हैं. वेव क्या है, आप वेव की बात कर लो, डिस्टरबेंस की टर्म्स में कर लेते हैं. तो वी विल से दैट बेटा ए वेव इज डिफाइंड एज ए सॉर्ट ऑफ डिस्टरबेंस विच प्रोपेगेट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन बेटा. बच्चों बात करें अगर डिस्टरबेंस की, वेव की, हमने वेव को रादर इन टर्म्स ऑफ बेटे डिस्टरबेंस ही डिफाइन कर दिया है. इमेजिन करिएगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये स्टैग्नेंट वाटर है. मैं वाटर वेव की हेल्प लेकर आपको समझा रहा हूँ बुद्धर सारा. लेट अस इमेजिन दैट इट इज द कॉलम ऑफ वाटर. पानी किसी जगह पर आपने ये स्टैग्नेंट वाटर की बात कर रखी है और इस पर आपने बेटे एक स्टोन छोटा सा ड्रॉप कर दिया. ये स्टोन है, करते 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 आपने यहां पे स्टोन बच्चों ड्रॉप किया. समझिएगा ध्यान से, जिस प्लेस पर, जिस पॉइंट पर आप अपना स्टोन ड्रॉप कर रहे हो वहां से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, बिकॉज आपका जो स्टोन है, जो पेबल है, इसका वेट काफी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है. रादर वेट की जगह पे मुझे डेंसिटी वर्ड यूज करना चाहिए. तो
तो ये जो एरोज हैं ये इंडिकेट करें कि लिक्विड साइट पे हट गया, थोड़ा डिस्प्लेस हो गया। लेकिन डियर चिल्ड्रन, आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट कर रखा है, दैट इज इट रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट। अब रिस्टोरिंग फोर्स आपकी सॉलिड्स में भी होती है, लिक्विड्स में होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है, गैसेस में ना के बराबर होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स गए हैं अपनी जगह छोड़कर, दे ऑन अकाउंट ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स विल ट्राई टू रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशंस, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा आपका जो स्टोन है, जो आपने पेबल या स्टोन ड्रॉप किया है, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगेगा। अब अगर ये बॉयंट फोर्स लगेगा तो बॉयंट फोर्स लगाने वाली चीज कौन सी है? आपका मीडियम, आपका लिक्विड, आपके पानी के मॉलिक्यूल्स, आपके पानी के एटम्स हैं। ये देखिएगा, ये लिक्विड का एटम है या मॉलिक्यूल है, जब इसके ऊपर से स्टोन से ट्राई किया ये नीचे चला गया। अब ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स इट इज कमिंग बैक, इन द मीन टाइम स्टोन नीचे चला गया है, राइट? तो ये जब वापस आएगा, इस मॉलिक्यूल के पास इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ओवरशूट करके थोड़ा ऊपर चला जाएगा, फिर इसके पास वापस आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स होगी, ये मेन पोजीशन की तरफ चल पड़ा, लेकिन इनर्शिया है, ओवरशूट करेगा, इस तरीके से ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है आपके लिक्विड का मॉलिक्यूल। डियर चिल्ड्रन, प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनिएगा। एक आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा था, सेकेंडली उसका इनर्शिया था, थर्ड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इन कंपैरिजन टू द सॉलिड फ्रिक्शन बड़ा थोड़ा होता है, छोटा होता है, कम होता है। सो इनर्शिया, इलास्टिसिटी, मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अप एंड डाउन वाइब्रेट करने के लिए डियर चिल्ड्रन फोर्स कर देंगे। और आपके बच्चों, पानी की सरफेस के ऊपर बड़ा ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को, इस अप एंड डाउनवर्ड मोशन की वजह से ये रिपल्स बन जाते हैं, सर्कल्स बन जाते हैं, और दीज आर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। ये रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हैं बेटा। और देखिए ध्यान से, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं। डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है रीजन ऑफ लो हाई रादर, और सॉलिड लाइन इंडिकेट कर रही है रीजन ऑफ मोर हाइट को। मैं अगर बना दूं अदरवाइज, ये ऐसे 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 और ऐसे एंड ऐसे, समथिंग लाइक दिस। ये रिपल बन गया, लेट मी एडजस्ट दिस बेटा, यस। और ऐसे ही अप डाउन अप डाउन अप दिस से, तो रिपल्स आउटवर्ड डायरेक्शन में बेटे मूव करने लग गए हैं। ये डिस्टरबेंस है आपकी बेटा, डिस्टरबेंस। इसी डिस्टरबेंस को डियर चिल्ड्रन वेव कह दिया जाता है। ये सेंटर था जिस जगह पे आपका वेव ओरिजिनेट हुआ। आप सिंपल एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एक बकेट पानी का अपने घर में रखिए, उस बकेट उसको पानी से पूरा फिल कर लीजिए, उसके बिल्कुल बकेट के टॉप पर एक कोई छोटा सा जो आर्टिकल है, कोई भी चीज गिरा दीजिए, उसकी सरफेस पर पानी के रिपल्स बन जाएंगे, ग्रो करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। वो जो चीज ग्रो करके बाहर जा रही है, दैट इज कॉल्ड वेव, दैट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस बेटा। और इस बात में एक बात का ध्यान रखिएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं मूव कर रहे हैं, दे आर जस्ट मूविंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, बट द डिस्टर्बेंस इज मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सो ये क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एनर्जी आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ना कि मास। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बिकॉज अप एंड डाउन ही वाइब्रेट करी जा रहे हैं, नो मैटर इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द वेव, ओनली एंड ओनली एंड ओनली एनर्जी इज फ्लोइंग आउटवर्ड अलोंग विद द डिस्टर्बेंस और द वेव। इसका एक आप एक्टिविटी भी परफॉर्म करके देख सकते हो। आप पानी की सरफेस पर जिस जगह पर आप रिपल्स बना रहे हो, एक पेज लेकर छोटा सा उसके छोटे 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 पीसेस करके उसके ऊपर गिरा दीजिए,
वो पेज के छोटे छोटे जो आपके पास में पीसीज होंगे, दे विल जस्ट मूव अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वो बाहर की तरफ नहीं जाते। ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है कि आपका मैटर अलोंग विद द डिस्टर्बेंस फ्लो नहीं करता। इट इज ओनली एंड ओनली एंड ओनली द एनर्जी दैट ट्रेवल्स अलोंग विद द डिस्टर्बेंस और द वेव। सो बच्चों, ये आपकी वाटर वेव्स मैंने आपको बनाकर दिखाई पुत्र कैसे बनेगी, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मीडियम की हमने की है। इट इज इलास्टिसिटी, सेकेंडली मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एंड तीसरी बात आपकी थी इनर्शिया। इनर्शिया आपके मॉलिक्यूल्स का, जो पानी के मॉलिक्यूल्स अप एंड डाउन फ्लो कर रहे हैं। और एक बात आपको मैंने जो बताई है बच्चों, उस बात को जरूर आप नोट करिएगा, दैट इट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द वेव एंड नॉट द मैटर। सो आइए देखें बेटा, इट इज द एनर्जी विच इज ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड अलोंग विथ द वेव एंड नॉट द मैटर। तो बच्चों, मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड अलोंग विथ द वेव। सारे बच्चे बेटे बताइए कि ये कंसेप्ट सबको समझ आ गया। डियर चिल्ड्रन, अदिति, अंजलि, हरनूर, इश्नूर, जैकलिन, जपन, नमन, राघव, रमन, सहज, वंश और मिताली, गुरसिमरन, देवनूर और हरमन। ठीक है बेटे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उत्तर बेटे मैं देखिए फिर भी आपको कहूंगा, जो भी आपके पास बुक है कोई पड़ी घर पे, उसको बेटा ये वाला जो बिगिनिंग सेक्शन है आपका, खास करके, बाकी तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिगनिंग सेक्शन को एक बार बेटे इंटेंसिव रीडिंग दीजिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। है इसमें कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक्स अगर क्लियर हो गए ना, फिर आगे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपका बड़ा स्मूथली सारा जो है डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो बिगनिंग वाला आपका सिस्टम है ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। ये दो तीन पेजेस जो हैं इनको बड़े ध्यान से आज बैठ के पढ़िएगा। तो चलिए मैं अब आगे चलता हूँ बेटे। इसके बाद मेरे पास कंसेप्ट आ जाता है कि वेव की, आपने देख लिया कि वेव किसको कहते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और टाइप्स की रादर हमने बात करनी है कि वेव्स बेटे कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं। लेट अस फोकस अपॉन द टाइप्स ऑफ द वेव, लेट अस हैव दिस कंसेप्ट फॉर अवर डिस्कशन बेटे। आइए इसको स्टार्ट करें बेटा, टाइप्स ऑफ वेव मोशन बेटा, लेट अस से दिस बेटे, टाइप्स ऑफ वेव मोशन। इसमें आपका बेटे जो वेव मोशन है, ये बेसिकली बेटे दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर लेते हो। आपके पास वेव मोशन, दो इसकी बच्चों बेसिक टाइप्स हैं। पहला है आपके पास बेटा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स वेव मोशन, और दूसरा आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। वैसे बेटे वेव्स हमारे पास जो है इलास्टिक एंड आपके पास बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दो टाइप की वेव्स होती हैं। ये दोनों इलास्टिक वेव्स की आगे बाइफर्केशंस हैं। आपको थोड़ा आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इलास्टिक वेव्स बेटे जो हैं, या मैटर वेव्स भी उनको बोल देते हैं, ये वो वेव्स हैं
जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे आपका साउंड वेव हो गया, आपका वाटर वेव हो गया, इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपेगेट करने के लिए, इसलिए इनको मैटर वेव्स भी कह देते हैं या इलास्टिक वेव्स भी कह देते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये वो वेव्स हैं जिनको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती प्रोपेगेट करने के लिए। इसकी बात मैं करूंगा, एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। वेव्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहला है मैटर वेव्स या इलास्टिक वेव्स, दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव्स या आपकी जो इलास्टिक वेव्स हैं ये बेटे प्रोपेगेट करने के लिए, इनको ट्रेवल करने के लिए, इनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर वेव्स और आपकी ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में साउंड वेव्स। ये दो आपकी इलास्टिक वेव्स की एग्जांपल्स हैं, वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स। दूसरी कैटेगरी हमारे पास से बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। इनका मीडियम ना भी हो तो भी ये ट्रेवल कर जाती है, और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा लाइट वेव्स। आप नोटिस करते हैं कि सन लाइट जो है वो सन की सरफेस से हमारे अर्थ के सरफेस तक, एटमोसफियर के परे, एटमोसफियर के बाहर कोई मीडियम नहीं है स्पेस में, तो यू कैन वेल इमेजिन लाइट वेव्स बिना मीडियम के हमारे एटमोसफियर में एंटर कर जाती हैं। ये इनकी खास बात है, ये इनकी इंपॉर्टेंस है बेटा। सो अब मैं इलास्टिक वेव्स की आगे, ये इलास्टिक वेव मोशन है बेसिकली, जो कि आगे आप ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में डिवाइड कर लेते हो। सो ट्रांसवर्स वेव्स आपकी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी, ये दोनों ही आपकी बेटे जो है इलास्टिक वेव्स की ही एग्जांपल्स हैं। इलास्टिक वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं बेटा, तो आइए इनको वन बाई वन बेटे स्टार्ट करें। व्हाट डू वी मीन बाई ट्रांसवर्स वेव्स एंड व्हाट डू वी मीन बाई द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अभी मैं फिर प्रेजेंटली रुकता हूँ, नेक्स्ट पीरियड में बेटे मैं इनका कंसेप्ट स्टार्ट करता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पीरियड बेटे। सो थैंक यू ऑल बेटा।